हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक सात। कक्षा सात के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 16 अक्टूबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो क्या है, पर्यावरण के कारक। तो पर्यावरण जो है सब बच्चे पढ़ चुके हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। देखिए पर्यावरण जो है उसमें जैसे हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं, पशु भी हैं, और भी ह्यूमंस हैं यानी और भी मानव हैं। इसके अलावा बेटे हम जो है हम मिट्टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी, हवा, ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो पर्यावरण के क्या क्या कारक हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें से कुछ जो है वो जीवीय हैं और कुछ जो है अजीवीय हैं, यानी कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे हैं और मानव हैं, पशु हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जैविक कारक होंगे, यानी जिनमें जीवन है वो जैविक कारक होंगे, और जिनमें जीवन नहीं है वो क्या होंगे, वो अजैविक कारक होंगे। पर्यावरण के दो कारक हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जिनमें जीवन है वो कौन से होंगे, जैविक कारक होंगे। जैसे ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सभी क्या हैं, सभी जैविक कारक हैं। अगर हम अजैविक कारक की बात करें तो यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। निर्जीव यानी जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो क्या, कौन से घटक होंगे, वो निर्जीव घटक होंगे, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। अब बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इजी वर्कशीट है ये, आपकी बहुत ही छोटा ये टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए कुछ उदाहरण जो है आपको लिखने हैं। सभी बच्चे जानते हैं अब जैविक कारक कौन से थे, पौधे, जानवर, उसके अलावा बेटे यहाँ पे और मानव, ठीक है, और भी लिख सकते हो, जानवर में जो है सारे आ गए, वैसे सूक्ष्म जीव वो भी क्या है हमारे जो है वो भी जैविक घटक में आ जाएंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो हैं वो कैसे हैं, जैविक घटक में आएंगे। उसके बाद देखिए अजैविक कारक, जैसे अजैविक कारक में आप जो है लिख सकते हैं भूमि है, जल, ठीक है, भूमि, जल, और इसके अलावा बेटे पानी, जल हो गया ना, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी आप लिख लीजिए, वायु, ये सभी कैसे घटक हैं हमारे, ये सभी अजैविक घटक हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं, जैवमंडल में दोनों शामिल हैं। तो जैवमंडल में क्या क्या शामिल हैं, जैवमंडल में जैविक और अजैविक कारक, एक आप यहाँ पे लिखेंगे जैविक और अजैविक कारक, दोनों जो है क्या है, दोनों ही इसमें शामिल होंगे, जैविक और अजैविक कारक। आप देखिए प्रश्न दो क्या है, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो बताइए अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, तो ये सही है या गलत है। अजैविक तो बेटा वो जो है जो निर्जीव हैं उनको परिभाषित करता है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है ना। अजैविक जो है वो जो जीवित भाग नहीं होते उनको परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखिए जैविक का क्या अर्थ है, तो जैविक का जो है क्या अर्थ होगा, तो यहाँ से हम इसका करेंगे आंसर, ये आप लिखिए, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित जो है घटक होते हैं, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, तो ये इसका उत्तर होगा। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट है, आई होप आपको ये क्लियर हो गई है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।